मैं राजेश बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर मिडास बंसल प्राइवेट लिमिटेड। आज जब इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट के काफी नीचे गिर चुके हैं, 8% से 5% के करीब आ चुके हैं, और अगर रियल रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को अगर कंसिडर करें, और दूसरी तरफ अगर इक्विटी मार्केट को देखें तो वो नए नए हाई पे नए हाई बनाते जा रही है। ऑलमोस्ट पिछले 16-17 महीने में मार्च 20 के लो से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टर बहुत पजल्ड हैं, कहां लगाएं, इक्विटी में लगाएं कब गिर तो नहीं जाएगी, डेट में लगाएं, एफडी में लगाएं तो रिटर्न 5% से भी कम आ रही है, तो कहां इन्वेस्ट करें। इन सब का एक बहुत अच्छा समाधान है, बेस्ट अल्टरनेटिव है कि बैलेंस एडवांटेज फंड, बिकॉज बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इक्विटी एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज होता है बिटवीन 0 to 100%। 100% कब हो सकता था, जब मार्केट में मार्च 20 जैसी सिचुएशन आती जब मार्केट शार्पली गिर गई थी, तब उस समय फंड में 100% इक्विटी कर देता। और जीरो कब हो सकता है, वो रेयर केस ही होगा जबकि मार्केट बहुत ओवररेटेड होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी एलोकेशन किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर 0 to 100% के बीच में होगा। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड का इक्विटी एलोकेशन है, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, टूल्स हैं। मोस्टली जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो मेजर करते हैं लाइक पीबी और पीबी के रेशियो पे, वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे, या ट्रेंड के सेंटीमेंट के दर है। कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड फ्यूचर अर्निंग को भी देख के इक्विटी एलोकेशन का डिसाइड करते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड इन्वेस्टर के बिहेवियर को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो इन्वेस्टर की कोशिश होती है ज्यादा इक्विटी में लगाऊं, जबकि फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होती है, उसे उस समय कम लगाना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जब मार्केट डाउन होती है तो इन्वेस्टर इक्विटी में से बचना चाहता है, जबकि फाइनेंशियल ज्यादा होती है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपका राइट इक्विटी एलोकेशन रखेगा एज पर दी मार्केट कंडीशन। बैलेंस एडवांटेज फंड में एक अच्छी बात यह भी है कि इनमें टैक्सेशन इक्विटी का मिलता है, क्योंकि इक्विटी फंड की तरह क्लासिफाई होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा अगर गेन 1 लाख से ज्यादा है। और एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक टिपिकल कैश फ्लो का अच्छा सोर्स हो सकते हैं। जो लोग रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं वो इसके अंदर SWP की तरह पैसा ले सकते हैं। अगर हम एक डाटा को एनालाइज करें कि किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 साल इन्वेस्टेड रहा, और उसके बाद अगले साल से 6% पर एनम का SWP लेता है, तो जो उसे कैश फ्लो आएंगे उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल गेन 1 लाख से कम होगा, तो इससे ज्यादा अच्छी कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो मार्केट कैन फ्लक्चुएट, योर पीस ऑफ माइंड सो नॉन, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.